नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में। सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए जॉब आ चुकी है। यदि आपको यह जॉब मिलती है तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। तो चलिए इस जॉब से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। यदि आप गेट या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाने के लिए आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और यदि आप इस समय सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अनअकैडमी गोल्ड का एक बेस्ट ऑफर चल रहा है, जिसमें 3, 6, 12, 18 या फिर 24 किसी भी मंथ का यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको प्रत्येक ड्यूरेशन के सब्सक्रिप्शन पर 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद गेट स्टार्ट पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल के रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको सेल्फ स्टडी का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। सेल्फ स्टडी पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि नीचे आपको अनअकैडमी गोल्ड का ऑप्शन दिख जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको प्रत्येक ड्यूरेशन का पैकेज दिखने लगेगा, और नीचे आप देख सकते हैं कि आपसे कोड पूछेगा, तो कोड में आपको अंजनी 10 लिख देना है। आप देख सकते हैं कि आपको अंजनी 10 कुछ इस तरीके से लिखना है। लिखने के बाद आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना ड्यूरेशन पैकेज सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको पेमेंट कर देना है, आपका सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर द्वारा गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर पाएंगे। तो यह ऑफर केवल 28 अप्रैल तक का है। डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिया गया है, तो वैलिडिटी समाप्त होने से पहले इस ऑफर का लाभ उठाइए। तो आप देख सकते हैं कि यह जॉब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से अनाउंस की जा रही है। यदि हम लास्ट डेट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 29/4/2022 को इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट है। और यहाँ पर बीई बीटेक डिप्लोमा सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सभी के लिए जॉब है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी आई हुई है। तो सबसे पहले टेक्निकल ऑफिसर सिविल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, और इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन बीई बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग मिनिमम 60% के साथ होना चाहिए। और इस पोस्ट पर आप देख सकते हैं कि केवल एसटी और ओबीसी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एसटी के लिए एज लिमिट 40 ईयर और ओबीसी के लिए 30 ईयर रखी गई है। नेक्स्ट, यदि हम टेक्निकल ऑफिसर मैकेनिकल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस पोस्ट पर केवल ओबीसी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका बीई बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, और मैक्सिमम एज लिमिट ओबीसी के लिए 38 ईयर रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें जो कि डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए है, यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है। सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सभी अप्लाई कर सकते हैं। यदि हम सिविल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि साइंटिफिक असिस्टेंट सिविल, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 6 है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आप देख सकते हैं कि आपके पास 3 ईयर या फिर 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। और सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा में आप देख सकते हैं कि आपका मिनिमम 60% होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एसटी एससी और ओबीसी के अनुसार एज लिमिट दे रखी है। नेक्स्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइंटिफिक असिस्टेंट मैकेनिकल और साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। मैकेनिकल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि टोटल 2 पोस्ट है, और इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए भी यहाँ पर टोटल 2 पोस्ट है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और इलेक्ट्रिकल के लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2 ईयर या फिर 3 ईयर रखा गया है। और डिप्लोमा में आप देख सकते हैं कि आपका मिनिमम 60% होना चाहिए। एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए आप देख सकते हैं कि एज लिमिट यहां पर दी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस का 3 स्टेज रखा गया है। फर्स्ट स्टेज में आप देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स, साइंस और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यदि हम सेकेंड स्टेज की बात करें तो आप जिस ब्रांच से रिलेटेड है उस ब्रांच से रिलेटेड आपसे 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और थर्ड स्टेज की बात करें तो स्किल टेस्ट होगा। यदि आप तीनों में पास हो जाते हैं तो आपको यह जॉब मिल जाएगी। फॉर्म अप्लाई फीस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रत्येक पोस्ट के लिए अलग अलग फीस दी गई है। जर्नल और ओबीसी मेल कैंडिडेट को छोड़कर सभी कैंडिडेट आप देख सकते हैं कि इस फॉर्म को फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई प्रोसेस की बात करें तो ऑफलाइन प्रोसेस है। आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट एक इनवलप यानी कि लिफाफे में भर के
यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मुंबई का एड्रेस दिया गया है, इसी एड्रेस पर आपको सेंड कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेकंड फ्लोर विक्रम साराभाई भवन मुंबई, पोस्टल कोड इतना इतना इतना, इसी एड्रेस पर आपको सभी डॉक्यूमेंट के साथ अपना फॉर्म सेंड कर देना है। लिफाफे में क्या क्या होगा आप देख सकते हैं कि उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। और इसी एप्लीकेशन में आप नीचे देख सकते हैं कि एक फॉर्म दिया गया है, इस फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल के इसको भी फिलअप करके सभी डॉक्यूमेंट के साथ लिफाफे में भरकर आपको सेंड करना है। तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाके इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन डाउनलोड का लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट लिखा है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से पीडीएफ फॉर्मेट आ जाएगा, तो सिंपली आपको ओके पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हैं कि फुल नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। अभी के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं, धन्यवाद।